अब सुनो भाई, देखो सर, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और छोटे से चैप्टर की, एक और छोटे से टॉपिक की। वो टॉपिक कौन है? डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। वो टॉपिक कौन है? डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री जो होता है वो बहुत ही आसान चैप्टर है और कई बार उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब आप लोग डी ब्लॉक का एनसीईआरटी उठा के देखते हो ना भाई, जब तुम डी ब्लॉक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठा के देखते हो तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखा गया है। उसमें लिखी हुई बातें ऐसे लगती है पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना? अरे हाँ या ना, मतलब ऐसे लगता है कि यार क्या लिखा, आखिर है क्या इसने लिखा, क्या है, समझाना क्या चाहता है। बट अगर अपन उसको थोड़ा सा तरीके से पढ़ते हैं ना भाई, तो वो अपने को क्या लगती है? बहुत ही आसान लगती है, बहुत ही सिंपल लगती है और आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आता। बट उसके लिए ना आपको अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ता है। उसमें क्या है कि देखो, ये लास्ट के चैप्टर हैं, इनकी मैक्सिमम बातें जो होती हैं वो बातें आप लोगों ने स्टार्टिंग में कर जाते हो। आप इनकी बातें जो है वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कर लेते हो, लाइक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक की बहुत सारी बातें करके निकल लेते हो। कहां पर करके निकल लेते हो बता देता हूं, ध्यान से सुनना। डी एंड एफ ब्लॉक में से मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब सुनना, देखो अपन क्या कहते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान से सुनना, बात को समझना। सबसे पहला पॉइंट, डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। मैं एक एक पॉइंट जो है वो बोर्ड पर लिखते हुए चलता हूं, आप लोग देखते जाना। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो स्टडी करना होता है, पहला पॉइंट आपको डी एंड एफ ब्लॉक में जो स्टडी करना होता है वो कौन है, तो अपन कहते हैं कि ग्रुप्स, पीरियड्स एंड एलिमेंट्स, कि कौन से ग्रुप में होता है, कौन से पीरियड में होता है और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं और पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स पढ़े हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वहां पर जाकर वो उनको देख सकता है, सब आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में ही मिल जाएगा। दूसरा आपको यहां पर पढ़ना पड़ता है बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुन लेना, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, स्टार्टिंग हाइड्रोजन से लेकर लास्ट एलिमेंट 118 ऑर्गेनेशन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखे हैं। ध्यान से सुन लेना क्या बोला, एलिमेंट नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोजन, एलिमेंट नंबर अप टू 118 ऑर्गेनेशन, वहां तक के इंक्लूडिंग डी एंड एफ ब्लॉक, हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता रखा है वहां पर, कैसे बनता है, क्यों बनता है, पीरियोडिक टेबल में सारा का सारा वहां पर लेक्चर में डाला हुआ है, क्लियर है? अब दूसरी बात सुनना, कहां पर एक्सेप्शन आता है, उस एक्सेप्शन की क्या कहानी होती है, वो सारी बातें मैंने बता रखी है। बात पल्ले पड़ गई, अगली बात सुनना। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम लोग बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डी एंड एफ ब्लॉक का सबका ए टू जेड मैंने वहां पर बता रखा है, क्लियर है? उसी के आगे चलता हुआ है नंबर चार पर हम बात करते हैं बेटा किसकी, इनके एटॉमिक रेडियस की। किनकी बात करते हैं? एटॉमिक रेडियस की। डी एंड एफ ब्लॉक के एटॉमिक रेडियस, उनके केटायन तक के एटॉमिक रेडियस जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, टेबल बना के दे रखे हैं, सारे के सारे मैंने पीरियोडिक में वहां पर वीडियो बना के डाल रखे हैं, सब के सब पीरियोडिक में पढ़ा रखे हैं। बात पल्ले पड़ गई, ये भी आप वहां से पढ़ सकते हो। इतनी बातें सबको क्लियर है? अरे सिंपल है ना, हाँ या ना, क्लियर? अब सुनो, ये बातें आपको सारी वहां पर मिल जाती है, तो हमारे चैप्टर का बहुत सारा बोझ हमारे से क्या हो गया है, हल्का हो गया है, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, उसको बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पीरियोडिक का पोर्शन है, पीरियोडिक में पढ़ा के नक्की कर दिया गया है, ठीक है? अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर।
अब हम लोग चलते हैं किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। आप सब लोग एक बात जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि सर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था जो है बेटा वो प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने का कारण भी क्या होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है कि उनका N-1D और NS जो होता है उनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है कहां पर, पीरियोडिक में। तो ये सारी बातें करवा रखी। अब ध्यान से सुनना सर, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ही देखते हुए चलेंगे। ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, अपन अगर बात करें कि डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है जैसे मैग्नीज, मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती कि नहीं होती। बट अपन कहते हैं कि सर ये जो एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये कौन से एलिमेंट की प्रेजेंस में स्टेबल होती है, इस पर बेस्ड एनसीईआरटी ने बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके हिसाब से चलता हूं। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 मैं लिखते हुए चलूंगा, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और समझना है, देख लेना। अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, अपन कहते हैं कि सर हाईएस्ट या मैं कह दूं कि सर हायर, दोनों ही ले सकते हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ध्यान से सुनना आर मोर स्टेबल किसके साथ, तो अपन क्या कहते हैं किसके साथ होती है, ध्यान से सुनना क्या लिखने वाला हूं, हाईएस्ट या हायर ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल विद किसके साथ, तो अपन क्या कहते हैं विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से, लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट बहुत प्यारा है, क्या बोला कि सर जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या कोई भी हो पी ब्लॉक का भी हो सकता है, उनकी हाईएस्ट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो किसके साथ ज्यादा स्टेबल होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है रीजन सुनना, ड्यू टू क्यों होती है रीजन नंबर 1, पहला पॉइंट रीजन सुनना, रीजन बहुत काम का है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, स्मॉल। ये जब बॉन्ड बनाने जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, स्मॉल, और बॉन्ड क्या बनता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही क्यों स्टेबल होता है, पॉइंट नंबर वन अपन क्या कहते हैं कि सर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का रीजन क्या होता है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन साइज, वो साइज में क्या होते हैं, पिद्दी से होते हैं, छोटे से होते हैं, इसलिए उनका बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग। इतनी बात क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, आसान है। चलो दूसरे पॉइंट पर चलता हूं, दूसरा रीजन सुनना भाई अपन क्या कहते हैं कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, जल्दी से देगा नहीं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्या वो एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैं आपसे ये कह दूं कि अगर बेटा Mn का +7 ले लो और इसके साथ, अब देखो भैया Mn का +7 है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, अगर इसके साथ कोई एलिमेंट मान लो कि फ्लोरीन है, या मैं कह दूं कि सर इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये लेना चाहता है लेकिन ये देना नहीं चाहता, अरे हाँ या ना, तो अपन क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अगला पॉइंट सुनना क्या है, अपन क्या कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। चलो पूरा लिख देता हूं, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होने का फायदा क्या है कि वहां पर रेडॉक्स परफॉर्म नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, वो आसानी से क्या है बेटा, स्टेबिलाइज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं,
एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से चलते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं पहले पी ब्लॉक का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे अगर बात करें बेटा, क्या PbF4 बनता है? क्या बनता है? ध्यान से सुनना, Pb+4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो अगर इसको कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल गया तो वहां पर क्या हो सकता है? रेडॉक्स हो सकता है। जैसे आपसे पूछे कि क्या PbCl4 बनता है? क्या बनता है? क्या आपसे पूछे कि PbO2 बनता है? क्या बनता है? लेकिन आपसे पूछे कि क्या PbI4 बनता है? क्या तो अपन क्या कहते हैं? नहीं बनता है। नहीं बनने का रीजन क्या होता है? नहीं बनने का रीजन क्या होता है? तो तुम क्या कहते हो कि Pb+4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I- क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दोनों मिलकर क्या कर जाते हैं? तो अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स कर जाते हैं। और जब बेटा इनमें रेडॉक्स हो जाता है तो ये स्टेबल नहीं हो पाता। तो अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि एलिमेंट जो है अगर उसको हायर ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देना है तो उसको किसके साथ जाना पड़ेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और साथ में छोटा बॉन्ड बनाते हैं, मतलब स्मॉल बॉन्ड बनाते हैं, साइज कम होती है। साइज कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। क्लियर? आ जाओ, इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि PbI4 जो है, PbI4 जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाता है? बन नहीं पाता है। तो बनता क्या है? PbI2+I2 बनता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं वेनेडियम की, मैं वेनेडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 लेके चलता हूं तो बोलता है कि क्या VF5 बनता है? क्या? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्या VI5 बनेगा? क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? नहीं बनेगा। अगर VI5 नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? तो अपन क्या बोलेंगे? ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और I- क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा दोनों के बीच में क्या हो जाता है? रेडॉक्स। रेडॉक्स होने से होता क्या है? तो अपन क्या कहते हैं कि VI5 जो है वो टूट जाता है VI3 में और साथ में क्या निकाल देता है? I2 निकाल देता है। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। फटाफट इसको लपेटो, अगले एग्जांपल पर बात करते हैं। फटाफट से इसको लपेटो, अगले एग्जांपल पर बात करते हैं। फटाफट से इसको लपेटो, अगले एग्जांपल पर बात करते हैं। लपेटो बेटा, जल्दी लपेटो, देखें अगले एग्जांपल पर बात करते हैं। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी लपेटें भाई, और लपेट कर खत्म करो। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई ना भाई? बात समझ में तो आ रही है ना? अरे बात समझ में तो आ रही है ना भाई? समझ आ रहा सबको? समझ आ रहा है? चलो ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो बात हुई बेटा किसकी? इसकी। अब देखो सर, अगले पॉइंट पर आपको लेके चलते हैं और अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और अगली बात यहां पर करते हैं। ठीक है, देखना, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही प्यारी सी कहानी है और अगले एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं जो एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनना सारे लोग और समझते जाना। ठीक है, क्या है वो देखना, अपन क्या कहते हैं वो देखना। हम लोग कहते हैं कि सर टाइटेनियम से स्टार्ट कर देते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम जो होता है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +4। ये सबको पता है, क्लियर है। अपन क्या कहते हैं कि टाइटेनियम का अगर फ्लोराइड बनाऊं तो क्या बनता है? TiF4। ध्यान से सुनना, बनाऊं तो बनता है। ठीक है, अगर अपन कहते हैं टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में क्या आता है? मैग्नीज। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर +4, वेनेडियम का है +5, क्रोमियम का है +6, और मैग्नीज का कितना है? +7। क्लियर है? अब देखो सर, टाइटेनियम का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाऊं, क्योंकि फ्लोराइड और ऑक्साइड के ही हमें स्टेबिलिटी देखनी है, क्या बनाता है? TiO2। वेनेडियम का क्या बनता है? V2O5। क्रोमियम का क्या बनता है? CrO3। और मैग्नीज का क्या बनता है? Mn2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो बेटा, +7, +6, यहां पर +5, और यहां पर कितना है? +4। ये आपके पास बनता है। ठीक है, ये आपके पास बनता है, ये आपके पास है। अब देखो सर, अपन क्या कहते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको स्टेबल करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होती है? तो बच्चों तुम लोग क्या बोलते हो कि सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि क्या ये बनता है? क्या? बिल्कुल बनता है। क्या ये भी बनता है? क्या? बनता है। क्या ये बनता है? यस सर, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है।
जब बात आती है मैग्नीज की, तो देखो सर मैग्नीज प्लस 7 में है, और तुम जानते हो कि अगर मेटल पर या एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज क्या होता जाता है, छोटा। अब मैग्नीज के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन जो है 7 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो एक बात बताओ कि छोटे से मैग्नीज पर 7 फ्लोरीन आएंगे तो क्या स्टेरिक रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इस वजह से MnF7 जो है वो नहीं बन पाता है। रीजन क्या होता है? स्टेरिक रिपल्सन। रीजन क्या होता है? स्टेरिक रिपल्सन। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब अपन बात करते हैं क्या Mn2O7 बनता है क्या? तो अपन क्या कहते हैं कि बिल्कुल ये बनता है। यहां पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगता, तो इसका क्या कारण है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस चीज को देखकर हमें एक बात तो पता चलती है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? तो अपन क्या कहते हैं, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो NCERT में इस स्टेटमेंट को भी बता रखा है और एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखा है, वो स्टेटमेंट यहां पर मार्क करता हूं। ध्यान से सुनना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेट ऑफ एलिमेंट्स मोस्ट स्टेबल विद ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर मोस्ट स्टेबल विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्यों? क्यों? कोई तो रीजन रहा होगा। रीजन क्या है? सुन लो, ड्यू टू क्यों होता है ऐसा? तो सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन क्या करता है सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? बट ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या करता है? कैन फॉर्म्स डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या बनाता है बेटा? डबल बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। यहां पर मैं बात करूं तो तू क्या बोलेगा, ये तेरा मैग्नीज, ये ऑक्सीजन, ये तेरा मैग्नीज। यहां पर मैग्नीज के साथ ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? अब बात ये आती है, तो सर एक बात बताओ कि अगर मैग्नीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ +7 दे देता है तो मैग्नीज का हाईएस्ट फ्लोराइड क्या होगा? ये भी आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर हाईएस्ट फ्लोराइड, ध्यान से सुन लेना, अपन क्या बोलेंगे कि हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैग्नीज इज MnF4। मैग्नीज का हाईएस्ट फ्लोराइड क्या होता है? MnF4 होता है। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है? आपके ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की होती है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है? तो अपन क्या कहते हैं, सर आपका जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा देता है। अगर सारे एलिमेंट्स को ले ले तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी ज्यादा कौन देता है? ऑक्सीजन देता है। ये कहानी किसकी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी की। फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो ये तो बात हो गई सर इनकी। अब अपन आते हैं एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन पे। कि हमें क्वेश्चन जो है वो कैसे करना होता है, कैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें क्या क्या बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है सर? तो ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन है, आप क्या कहोगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन सा ऑक्साइड प्रबलतम ऑक्सीकारक है, कौन सा ऑक्साइड प्रबलतम ऑक्सीकारक है। क्लियर है, ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन ऑक्साइड। क्लियर है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स में है, ये भी प्लस सिक्स में है, प्लस सिक्स में है। फोर्थ इज ऑल इज वेल। ठीक है, आप लोग चेक करोगे कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आसान क्वेश्चन है, जल्दी करें। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पहचानना है कि कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पहचानना है कि कौन है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में तुम इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया फर्स्ट। हाँ भाई, बच्ची ने आंसर दिया है फर्स्ट। चलो देखो सर, अपन क्या कहते हैं कि यहां पर अपन बात करते हैं। देखो सर, यहां पर सब के सब क्या है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, ध्यान से सुन लेना, अपन क्या कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिपेंड करती है किस पर, तो अपन क्या कहते हैं कि सर इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होएगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होएगा। तो अपन क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप लोगों का जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आप लोगों का स्प्लिटिंग एनर्जी वो भी क्या होता है, बढ़ता है। बच्चा जब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है तो अपन क्या कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी, ध्यान से सुन लेना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अपन क्या कहते हैं कि इन सब में मोस्ट स्टेबल कौन है ये, और सबसे कम स्टेबल कौन है ये। तो सबसे आसानी से कौन ऑक्सीजन देगा ये, और जो ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई लपेटो, फटाफट लपेटो बेटा, और डन बोल के निकल लो, डन बोल के निकल लो। करीना डूडी ऑल, नहीं बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा ना बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक ही होता है, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन सारे स्ट्रॉन्गेस्ट थोड़ी है बेटा, अब स्ट्रॉन्गेस्ट का कंपैरिजन था ये। जल्दी बोलो भाई, हो गया भाई, डन हो गया, काम चले, आगे चले, काम हो गया सबका। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन से हैलाइड का अस्तित्व नहीं होता है, कौन से हैलाइड का अस्तित्व है नहीं होता है। ऑप्शन है FeI3, दूसरा ऑप्शन है CuI2, तीसरा ऑप्शन है CuF, चौथा ऑप्शन है ऑल इज वेल।
बनाओ बेटा, चार हेलाइड आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन से हेलाइड का अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं है, आपको यह बताना है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। करीना डूडी ने लिखा है सर इसमें तो ऑल, हाँ सारे का ही क्या मतलब, इनमें से किसी का अस्तित्व है नहीं है। चलो बात करते हैं अगली बात को, ध्यान से सुनते हैं। देखो सर Fe3 यहां पर अपन क्या कहते हैं कि आयरन +3 में है, आयोडाइड है -1 में, ये होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी हम पढ़ते हैं। तो ये किसमें टूट जाता है, Fe2+I2 में टूट जाता है, क्लियर है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बना देता है Cu2I2+I2, मतलब इसका भी एग्जिस्टेंस नहीं है। CuF जो होता है ये क्या करता है बेटा, Cu2+ कॉपर में चला जाता है, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रेडॉक्स, क्या बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रेडॉक्स, क्लियर है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। लपेटो भाई फटाफट, लपेटो भाई फटाफट, बिल्कुल आंसर आपका सही था, जल्दी करो बेटा, डन बोल के निकल लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो, हो गया डन सर, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बात को समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात को हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात को हम लोग करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखना सर अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं कि सर एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, देखना, विच ऑक्साइड कैन डिजोल्व इन बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हिंदी में, कौन सा ऑक्साइड एसिड एंड बेस दोनों में घुलनशील है, घुलनशील है, क्लियर। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं V2O3, V2O4, V2O5, none of the above, nota, none of the above, बताएं बेटा, एसिड और बेस दोनों में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। आंसर आया है इसमें थर्ड है, बच्ची ने कहा है कि सर इसमें थर्ड है, हाँ भाई चलो बात करते हैं देखते हैं। देखो सर बिल्कुल सही आंसर है, आंसर क्या दिया है बच्ची ने, थर्ड। देखो क्या होता है कि अपन क्या कहते हैं कि एसिड और बेस दोनों में कौन डिजोल्व होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि जो एम्फोटेरिक होता है, और यहां पर V2O5 क्या है, एम्फोटेरिक है। अगर बेटा आप लोग इसको बेस में डिजोल्व करते हो तो ये बना देता है VO2+1, ऑक्सो कैटायन, क्लियर है। और अगर बेटा आप लोग इसको एसिड में डालते हो तो ये क्या बना देता है, VO4-3 यानी कि ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन कर देता है, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, V2O5। स्क्रीनशॉट मारो सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात थी, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। एक लास्ट बात बताते हैं और इसके आपकी जो हाँ जल्दी करें भाई, डन सर, बहुत बढ़िया, हाँ भाई अब देखो सर यहां पर हमें एक और बात पढ़ने को मिलती है एनसीईआरटी में।
एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं, उन्हीं के उन्हीं पर हमने क्वेश्चन करके ये बात करी है ताकि हमें क्या हो बेटा, दिक्कत ना हो, उन्हीं चीजों पर हमने क्या करी है, बात करी है। अब ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट को बताने की कोशिश करता हूं, सुनना। अपन क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं ये ऑक्सीडेशन स्टेट का, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल जो होती है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो क्या कर सकती है उनकी बात करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कैन शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से, 0, -1, -2 ये भी शो कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कैन शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिस दिस एंड दिस, किसके साथ, तो अपन क्या कहते हैं कि विद कार्बोनाइल, विद कार्बोनाइल CO, याद आ रहा होगा FeCO5, MnCO5, COCO4, ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, है ना, VCO6-1, ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। ट्रांजिशन मेटल कैन शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के साथ ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को, लोअर ऑक्सीडेशन को स्टेट को स्टेबिलिटी कौन देता है, विद कार्बोनाइल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनना क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आप लोगों की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो याद आ रहा होगा मेटल कार्बोनाइल जो होता है, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाता है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, इज ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अपन क्या कहते हैं कि सर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से। अगर तुम एग्जांपल देखना चाहो तो याद आ रहा होगा FeCO5, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, 0। MnCO6 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, 0। आप बात करते हो VCO6-1 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, -1। ये सब के सब स्टेबल है किसकी वजह से, तो अपन क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, इस बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, कहां पर पढ़ा चुका हूं, तो याद आ रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्लियर है। मेटल कार्बोनाइल बहुत ढंग से पेल के पढ़ाए हैं, तो लपेटिएगा सर, लास्ट स्क्रीनशॉट मारो इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट का लास्ट ये था भाई, जल्दी करो, डन है। चलो सर, अब एनसीईआरटी के अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, ध्यान से सुनना कि एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, सारे लोग ध्यान से सुनते जाइयो और बात को समझते जाइयो। हाँ भाई, अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है एनसीईआरटी में, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, बच्चे अक्सर उसको देखकर घबरा जाते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, तो उसको मैं हेडिंग लगा रहा हूं, वो क्या है, तो आप लोग क्या कहते हो कि वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको आप लोग क्या कहते हो SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। आप लोग एक बात जानते हो, मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, ध्यान से सुनना, मेटल जो होती है, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और मेटल जब इलेक्ट्रॉन देती है तो अपन क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन से जो पोटेंशियल आप लोग स्टैंडर्ड स्टेट पे लेते हो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, SRP। तो आप लोग क्या कहते हो कि हमें इसी की बात करनी है, ध्यान से सुनना, मेटल जो होती है मेटल का SOP होता है पॉजिटिव और SRP कैसा आता है, नेगेटिव। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बस उसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। और यहां पर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज,
रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि आप लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी। और बेटा उस रिएक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS में आपने पढ़ा होगा कि कॉपर जो होता है उसका प्लेस हाइड्रोजन से नीचे होता है, यानी कि कॉपर का SRP कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बात जो है वो NCERT ने बहुत ढंग से समझा रखी है। तो अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर इज पॉजिटिव, SRP जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। जनरली मेटल का कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन कॉपर का कैसा होता है, SRP पॉजिटिव होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, उस रीजन पर NCERT ने बात करी हुई है। तो अपन उसी रीजन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सर, SRP या SOP जो होता है, SRP और SOP जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को, किसको, एक्वस सॉल्यूशन को। तो आप लोग क्या कहते हो कि मेटल हमें कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में, हाँ या ना, सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेके जाते हैं गैसियस फेज में, क्लियर है। इसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन एनर्जी। ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडो, ठीक है। कॉपर से हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या बनता है, कॉपर प्लस टू गैस। ये प्रोसेस क्या हो जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, याद आ रहा होगा। ये प्रोसेस भी कैसा होता है, एंडो होता है। इस कॉपर प्लस टू को हम लोग किस में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये क्या बना देता है, कॉपर प्लस टू एक्वस बना देता है। यहां से जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्जो होता है, ठीक है सर। ये पूरा प्रोसेस है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो तुम क्या बता देते हो, इसका SOP। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, तो तुम क्या बोल दोगे कि इसकी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो तीनों के तीनों कैसे है बेटा, एंडो, ठीक है। दूसरा सुनना, हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है, तो तुम क्या कहते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी है एक्जो। भैया कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, वो जब एक्जोथर्मिक होता है तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है, वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी इन तीनों से ज्यादा है तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, SOP पॉजिटिव होगा, SRP नेगेटिव होगा। ये मेटल के साथ होता है। लेकिन अपन बच्चा यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं, ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ो कि सर SRP ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। कॉपर का SRP बच्चा कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब कॉपर जो है वो फॉरवर्ड जाना पसंद करेगा, या कॉपर से कॉपर प्लस टू जाना पसंद करेगा, या कॉपर प्लस टू से प्लस जीरो में आना पसंद करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, वो पीछे आना पसंद करेगा, तभी तो उसका SRP कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात पल्ले पड़ गई बच्चा, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब सुन, क्यों होता है ऐसा। तो अपन कहते हैं कि सर 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 कॉपर के लिए, कॉपर के लिए सब्लिमेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन तीनों का सम जो होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा। मतलब ये रिएक्शन जो है वो एंडो ज्यादा होती है, एक्जो कम होती है। अगर एंडो ज्यादा होती है तो आगे नहीं जा पाती, पीछे आ जाती है। तो अपन कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं, इसका रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं रीजन में क्या कहेंगे, तो अपन बोलेंगे क्या कि सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन टू हाइड्रेशन एनर्जी एनर्जी। बात पल्ले पड़ गई। ये कहानी किसकी होती है, कॉपर की। फोटो मारो भाई, फटाफट से फोटो मारो। ये कॉपर का एक्सप्लेनेशन होता है, ये कॉपर का एक्सप्लेनेशन होता है। फटाफट से फोटो मारो और डन बोलो, अगर दिक्कत लगे तो बता दो, अगर कोई दिक्कत लगे तो बता दो भैया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चल रहा है, जल्दी बोलें भाई, हो गया बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, बहुत बढ़िया। चलो SRP पर और आगे लेके चलता हूं। ये तो एक एग्जांपल बताया है, एक एग्जांपल आपको बताया है। SRP में दूसरा केस जो आता है, NCERT ने जिसको बहुत वेटेज दे रखा है, वो केस एक और बताता हूं। SRP में आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, अब पढ़ने में आपको समस्या नहीं आएगी, क्लियर है। क्यों, कैसा, कब, कहां होता है, उसी की अपन बात कर रहे हैं। SRP में NCERT दूसरी बात बोलता है, SRP में NCERT दूसरी बात बोलता है। क्या बोलता है, वो कहता है कि तीन एलिमेंट हैं, कौन कौन है, मैग्नीज, जिंक और निकल। इन तीनों की बात करते हैं। तीनों के तीनों क्या है बेटा, मेटल
है कि नहीं है? मेटल है तो तुम जानते हो तीनों रिएक्टिव मेटल हैं थोड़ी सी। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ECS में, कॉपर नीचे होता है, वो अलग मुद्दा है, वो हमने देख लिया। इनके लिए SRP के मान कैसे होंगे? नेगेटिव, सबको पता है मेटल है तो SRP नेगेटिव होगा, कॉपर और दो चार जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनको छोड़कर। अब इनके जो SRP वैल्यू है ना वो नेगेटिव तो होते हैं लेकिन जितना सोचते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। इसका रीजन क्या होता है सुनना, तो अपन क्या कहते हैं कि SRP वैल्यूज, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, SRP वैल्यूज ऑफ मैग्नीज जिंक एंड निकल आर मोर नेगेटिव, आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, देन एक्सपेक्टेड। क्या लिखा? मैग्नीज जिंक और निकल के SRP के मान अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक होते हैं, मोर आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा नेगेटिव होते हैं, उससे ज्यादा नेगेटिव होते हैं। मतलब बहुत भयंकर ऑक्सीडेशन इनका होता है। क्यों होता है वो सुन ले। अपन क्या कहते हैं कि मैग्नीज से बना दो Mn+2, Mn+2, बच्चा जिंक से बना दो Zn2+, और निकल से बना दो Ni2+। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि गुरुजी Ni+4 क्यों नहीं बना रहे? भाई बेटा Ni+2 ज्यादा स्टेबल होता है Ni+4 से, आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा के बेसिस पे। अब आ जाओ सर, जब ये Mn+2 बनता है तो Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन आता है D5। D5 जो है वो क्या बन जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। क्या दे देता है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसलिए SRP के वैल्यू जो है वो क्या होते हैं, Mn के लिए, मैग्नीज के लिए जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव आते हैं। रीजन, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ Mn2+। जिंक में अब तुम समझ गए होंगे 3D10, भाई इसका सीन तो और भी गंदा हो गया। तो अपन क्या कह रहे हैं, रीजन क्या है, तो अपन कहते हैं इसको तो मिल चुकी है फुल फील्ड स्टेबिलिटी। क्या मिल चुकी है? फुल फील्ड स्टेबिलिटी। और फुल फील्ड स्टेबिलिटी मिल चुकी है तो अपन क्या कहते हैं कि ये तो और भयंकर स्टेबल हो गया, तो उम्मीद से ज्यादा मिलेगा भैया, एक्स्ट्रा स्टेबल होएगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल बच्चा, ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल। और बच्चा ये भी क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल, उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। क्लियर? निकल 2+ की बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या है? तो बोलेगा मास्टर ये तो 3D8 है, इसमें तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वगैरह कोई खेल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्या कहते हैं, इसका साइज बहुत छोटा होता है, निकल का साइज जो है ना बहुत छोटा होता है, निकल प्लस टू का साइज बहुत छोटा होता है, निकल कॉपर जिंक बहुत छोटा साइज होता है, निकल प्लस टू बहुत पिद्दी सा होता है। तो इसका क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ निकल 2+ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Ni+2+। Ni+2 की स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, ये खेल होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि इन तीनों के लिए क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। NCERT में आधा पैरा लिखा, मतलब एक पैरा लिखा हुआ इन पर। क्लियर है? लपेटो भाई, फटाफट से लपेटो कि ऐसा क्यों होता है बच्चा, जल्दी करो। देखें हो गया भाई, डन खेल। चलो बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को बच्चा? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है सर, ये होता है SRP का खेल। अब SRP पर मैं आपको एक गजब का क्वेश्चन कराता हूं।
उसमें ना सर अगर आपने एनसीईआरटी का डी ब्लॉक देखा हो, एनसीईआरटी में अगर बेटा आपने डी ब्लॉक देखा हो तो बेटा वहां पर आपको एक चीज मिलती है, एक बहुत ही प्यारा सा कन्वर्जन वहां पर लिखा हुआ मिलता है। उसी कन्वर्जन के बेसिस पे हम बात करेंगे, एक सवाल की एक क्वेश्चन की। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ M2+2 M3+। ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, यहां पे कुछ रह गया, ऑर्डर ऑफ एस आर पी का कौन सा ऑर्डर जो है वो M+2 से M+3 कन्वर्जन के लिए सही नहीं है। क्लियर है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, M+2 से M+3 परिवर्तन हेतु, हिंदी में भी लिख देता हूं, परिवर्तन हेतु एसआरपी का कौन सा क्रम सही नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन स्कैंडियम लेस देन टू वेनेडियम, दूसरा ऑप्शन मैग्नीज ग्रेटर देन टू आयरन, तीसरा ऑप्शन जिंक ग्रेटर देन टू मैग्नीज, चौथा स्कैंडियम ग्रेटर देन टू जिंक। ये चार ऑप्शन आपको बेटा दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन को लपेटना है। कैसे लपेटोगे वो देख लो, क्या एक ऑप्शन सोल्व करके बताऊंगा, क्या बेटा एक ऑप्शन सोल्व करके बताऊंगा, बता दो, क्या एक ऑप्शन सोल्व करके बताऊंगा बेटा, जल्दी बता दो, क्या एक ऑप्शन सोल्व करके बताऊंगा, जल्दी बोलो भाई, क्या आप चाहते हैं कि मास्टर आपको एक ऑप्शन सोल्व करके बताए। हाँ सर बिल्कुल, बता दो सर, बहुत बढ़िया। चलो एक ऑप्शन मैं बेटा आपको सोल्व करके बता देता हूं और बाकी के तीन ऑप्शन आपको करने हैं। नहीं सर, एक बार हम करते हैं, चलो एक काम करते हैं बेटा, प्रेम आप करो और मैं बाकी बच्चों को एक ऑप्शन सोल्व करके बता देता हूं। ठीक है, बाकी बच्चों को एक ऑप्शन सोल्व करके बता देता हूं। हाँ भाई देखो, यहां पर कर लेते हैं सेपरेशन, आ जाओ भैया, स्कैंडियम और वेनेडियम देखते जाना बच्चों, स्कैंडियम और वेनेडियम किससे किस में जाना है तो तुम क्या बोलोगे, +2 से +3 में जाना है, स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम +3 जाना है, ये जाना है। दूसरा क्या है, वेनेडियम है, वेनेडियम +2 से क्या जाना है, वेनेडियम +3 जाना है। आपको यह देखना है कि इस कन्वर्जन में, ध्यान से सुनना, इस कन्वर्जन में, यह पहला ऑप्शन सोल्व कर रहा हूं, इस कन्वर्जन में एसआरपी का कौन सा ऑर्डर सही है, एसआरपी का कौन सा ऑर्डर सही है। क्लियर बच्चा, अब देखो यार, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। चलो स्कैंडियम +2 की बात करता हूं, स्कैंडियम +2 मतलब 3D1 और स्कैंडियम +3 मतलब कितना है, 3D0। सही बात है क्या, क्या इतनी बात सबको क्लियर है क्या बेटा, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है क्या वो बात सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना, तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर। क्यों क्लियर है, तो आपने कहा कि सर ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। अब सुनना, ये 3D1 ये 3D0 मतलब इसके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो तुम क्या बोलोगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है, अगर बेटा इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये आगे जाना चाहेगा, यस और नो, हाँ या ना, आगे जाना चाहेगा, तो तुम क्या बोलोगे कि इसका एसओपी ज्यादा होगा, एसआरपी कम होगा। क्लियर है, आया इस पे आजा, वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान से सुनना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D3 4S2 दो निकाल दो, 3D3 वेनेडियम+3 ध्यान से सुन लो, अरे देख लो, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 21, 22, 23 आ गया ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D3 4S2 दो निकाल दिए, अब तीन निकाल दोगे तो बच्चा क्या बन जाएगा, 3D2।
करेक्ट है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, अपन क्या बोलने वाले हैं, अपन क्या बोलने वाले हैं कि सर ये देखो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पूरा खेल जल में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, पूरा खेल एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो ये क्या बन जाता है T2G3Eg0, ये बन जाता है T2G2Eg0। बात पहले पड़ गई, ये क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे T2G हाफ स्टेबल, T2G हाफ स्टेबल, करेक्ट है। अगर बेटा ये T2G हाफ स्टेबल है और ये स्टेबल है, तो एक बात बताओ कि ये तो आगे जाना चाहेगा SRP नेगेटिव, ये पीछे आना चाहेगा SRP पॉजिटिव। क्या बोला, ये आगे जाना चाहेगा, ये पीछे आना चाहेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों में से SRP ज्यादा किसका होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ऑब्वियसली वेनेडियम का होगा। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं क्या मैंने जो बात समझाई है वो आपको पल्ले पड़ गई क्या, क्या वो बात पल्ले पड़ गई क्या, जल्दी से बोल दो बेटा, क्या वो बात पल्ले पड़ गई क्या, जल्दी बोलो बेटू, क्या मैंने जो समझाया है वो आपको क्लियर हो गया क्या, जल्दी से बता दे भाई, जल्दी से बता दे, क्या आपको वो क्लियर हो गया क्या। यहां पर वेनेडियम का SRP क्या है, ज्यादा है, और किसका, हमने कहा स्कैंडियम का कम है, क्यों है, जो आगे जाएगा उसका SRP कम, जो वापस आ जाएगा उसका SRP ज्यादा, ये कॉपर वाला सा केस यहां पर बनता है। पहला ऑप्शन क्या है, तो हमने कहा पहला ऑप्शन क्या है बेटा, सही है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है, और इसने क्या पूछा है, गलत है। बात पल्ले पड़ गई, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं SRP ज्यादा किसका होगा, SRP ज्यादा किसका होगा, कौन सा, तो आप लोग क्या बोलोगे, SRP ज्यादा कौन सा होगा, किसका, M+2 से M+3 में, तो वेनेडियम का ज्यादा है किससे, स्कैंडियम से, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब वो आंसर नहीं है, क्लियर है सर। तो बच्चा इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, क्लियर है। तो चलो दूसरे ऑप्शन पर चलता हूं, क्या अब आप लोग करोगे या मैं बता दूं पूरा, जल्दी बताओ, NCERT का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आप लोग करोगे या मैं बता दूं, क्या आप लोग करोगे या मैं बता दूं, जल्दी बोलो, आप लोग करोगे या मैं बता दूं, जल्दी बोलो, हाँ चलो मैं बता दूं या कर लोगे, जल्दी बताओ भाई, मैं बताऊं या तुम करोगे, जल्दी बोलो बच्चों, कर लोगे क्या आप, बता दो सर। चलो ठीक है बेटा, मैं बता देता हूं, मैं पूरा यहां पर जो है वो सॉल्व कर देता हूं, मीना जी
हाँ भाई अब आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है? हाँ माइक बंद कर रखा था बेटा, चाय पी रहा था। चलो हाँ भाई, एक बच्ची का आंसर आ गया है हमारे पास। एक बच्ची का आंसर आ गया है, जल्दी करें भाई, बाकी जनता भी बताए, देखें जल्दी बताएं, बस चाय खत्म होने पे है भाई, छोटी सी चाय है, मतलब छोटा सा कप है, थोड़ी सी चाय है, जब तक चाय खत्म होती है तब तक आंसर आ जाना चाहिए। हाँ भाई, तो चलो बच्चा लोग, चाय खत्म और काम शुरू, आ जाओ, चाय खत्म काम शुरू। अब देखो अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहने वाले हैं, अपन क्या कहने वाले हैं भाई, अपन क्या कहने वाले हैं, आ जाओ बात करते हैं। देखो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मैग्नीज और आयरन का, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज और आयरन का। तो बच्चा तू क्या बोलेगा, मैग्नीज क्या है प्लस टू और किस में जाएगा, Mn प्लस थ्री में, मैग्नीज प्लस टू से प्लस थ्री में जाएगा। तो तू बोलता है कि यहां पर 3d5 और यहां पर क्या हो जाएगा 3d4, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये मोर स्टेबल है, करेक्ट है। चलो इसमें दूसरा कौन है, आयरन, तो अपन क्या बोलेंगे, आयरन प्लस टू और आयरन प्लस थ्री, ये जो होता है ये होता है 3d6 और ये होता है 3d5, तो अपन क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, मोर स्टेबल है, ये भी क्या है, मोर स्टेबल है। तो अपन कह रहे हैं कि इधर देखो ये स्टेबल है पीछे आएगा, इधर ये स्टेबल है आगे जाएगा, एसआरपी ज्यादा किसका, मैग्नीज का, ऑब्वियसली इसने दिखा रखा है, मतलब ये ऑर्डर सही है, आंसर नहीं है। चलो सर नंबर तीन पर बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन, एक जिंक है एक मैग्नीज है, मैग्नीज यो पड़ा जिंक ले आता हूं, मैग्नीज यो पड़ा जिंक ले आता हूं, जिंक जिंक प्लस टू से कहां पर जाएगा, जिंक प्लस थ्री में जाएगा, जिंक प्लस थ्री में जाएगा, तो बेटा ये होता है 3d10 और ये होता है 3d9, दोनों की बात करूं तो ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। और बेटा एक बात बताओ कि मैग्नीज और अगर जिंक की बात करता हूं, मैग्नीज और जिंक की बात करता हूं, तो अपन क्या कहते हैं कि दोनों का एसआरपी यहां पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, दोनों पीछे आना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, लेकिन जल्दी कौन आएगा, ज्यादा कौन आना चाहेगा, जिंक, क्यों आना चाहेगा, क्योंकि क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं कि जिंक क्या है, फुलफिल्ड स्टेबल, ये क्या है, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड के कंपैरिजन में फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा पीछे आएगा, तो जिंक का एसआरपी क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव, किससे, एमएन से, ये भी सही है कि नहीं है। आ जाओ चौथा ऑप्शन, स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम कटे है यो रहा और जिंक कटे है यो रहा, आ जाओ भैया, स्कैंडियम आगे जाना चाहता है, जिंक पीछे आना चाहता है, जिंक का एसआरपी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, आ जाओ भैया, स्कैंडियम का ज्यादा दे रखा, ना 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 मेरे जिंक का ज्यादा है, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, ये आंसर कौन सा हो गया, ये फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो फटाफट, जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, होगी फोटो, खींच दी फोटो, चलो सर डन, बहुत बढ़िया। ये कहानी थी बेटा आपके किसकी, ये कहानी बेटा किसकी थी, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये आपके एसआरपी की कहानी थी, एनसीईआरटी में एसआरपी के बारे में ये सब बातें आपको दे रखी हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी है कि कैसे होता है, अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। तो आज का लेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज का लेशन, अभी का लेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास में, मिलते हैं शाम वाली क्लास में, 6 बजे, 6 से 7:15 दूसरी क्लास होगी, उसमें भी अपन डी ब्लॉक की बात करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक की ही बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, वो क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि अब हमारे पास इसमें क्या बचता है, KMnO4 और K2Cr2O7 मेल्टिंग पॉइंट, उनकी बात करनी है, तो 6 से 7:15 वाली क्लास में डी ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है सर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं शाम को 6 बजे, ओके बाय।